दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, इसका नाम है नवनीत जेएमएच। यहां पर सच्चाई और तथ्यात्मक खबरें दिखाई जाती है। तो शुरुआत करते हैं सच्चाई भरी खबरों से जो आ रही हैं। बहुत सारे पत्र हमें देखने को मिल रहे हैं, उन पत्रों के अनुसार भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे बाल विकास मंत्री, जी हाँ, स्मृति ईरानी। कल हमने आपको खबर दी थी कि स्मृति ईरानी जो है कि उत्कर्ष केंद्रों का शुभारंभ करेंगी, तो उत्कर्ष केंद्रों का शुभारंभ हो चुका है और कौन सी अहम बातें जो है केंद्रीय मंत्री ने कही है वो सब आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के एक जिले से आए हुए पत्र के बारे में, जिला कार्यक्रम अधिकारी का पत्र है, बहुत ही अहम पत्र है। और अन्य राज्यों से जो आंगनबाड़ी बहनें सभी राज्यों से देख रही हैं उन सबके लिए खबर है। ज़्यादातर खबरें हम आपको देने जा रहे हैं आंगनबाड़ियों की बहनों की, बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार देखते रहिएगा, कहीं मिस करिएगा नहीं, अन्यथा की स्थिति में आपके राज्य की, आपके जिले की और आपके शहर की खबर छूट सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से, स्मृति ईरानी से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल आपको बता दें अमेठी, जी हाँ, अमेठी की ये सांसद हैं और आपको बता दें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को यहाँ पर 151 उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया और इसी के साथ ही सखी ऐप का भी शुभारंभ किया गया है। लोकार्पण के बाद स्मृति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2000 से अधिक लोगों से भी संवाद किया है और हालचाल जाना। अब अपने संबोधन में क्या कहा, उन्होंने कहा कि आने वाले एक वर्ष में 500 और केंद्रों को उत्कर्ष केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और उन्होंने कहा कि मेरी अमेठी के हर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले। इसी के साथ ही आपको बता दें जिलाधिकारी अरुण कुमार ने केंद्रीय मंत्री को 151 आंगनबाड़ी केंद्रों में कराए गए कार्यों तथा सखी ऐप के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी और इस दौरान दोनों कार्यक्रमों में कराए गए कार्यों से संबंधित वीडियो क्लिप भी दिखाई गई। आपको बता दें स्मृति ने जिला प्रशासन व BCG की टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होने से बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण मानकों तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में सुधार आएगा। जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्र बनाने हेतु किया गया प्रयास अत्यंत सराहनीय है, यानी कि जो उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं उत्कर्ष जैसा नाम वैसा ही काम। उत्कर्ष का मतलब ये होता है कि बिल्कुल हरा भरा, बिल्कुल निखरा हुआ, चमकीला, मतलब जो केंद्र होगा आंगनबाड़ियों का बहुत अच्छा होगा। 151 आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया गया है, सखी ऐप का भी शुभारंभ हुआ है और बाल विकास मंत्री ने 2000 लगभग लोगों को संबोधित किया है। आपको बता दें वर्चुअल तौर पर संबोधित किया है। अमेठी स्मृति ईरानी नहीं आई थी और उन्होंने जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं इसी तरीके से उन्होंने भी वार्ता की है। तो आप बताइएगा उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्र, अगर आप अमेठी से हैं तो आपका केंद्र क्या उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्र में आया है या फिर नहीं, कमेंट बताइएगा। चलिए आपको बताते हैं अगली खबर जो आ रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर द्वारा एक बहुत ही स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किया गया है, पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पत्र में क्या लिखा है पहले तो आपको बताते हैं, विषय रखा गया है अमरेला ICDS योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थी जिनमें 6 माह से 3 साल और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को आपूर्ति किए गए अनुपूरक पोषाहार वितरण के निरंतरता के संबंध में। अब बता दें आपको लखीमपुर के जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, इन्होंने क्या लिखा है इस पत्र में और समस्त बाल विकास परियोजना प्रभारियों को संबोधित किया है। आपको बता दें सबसे बड़ी बात, खास बात इसमें पत्र में है क्या, जो बाल विकास से पुष्टाहार निदेशालय लखनऊ से निर्देश जैसे प्राप्त होते हैं उसी का अनुपालन जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कराया जाता है और इसी के अनुरूप बताया गया है पत्र में कि ICDS अमरेला योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार आपूर्ति के पश्चात COVID-19 के कारण लाभार्थियों जिनमें 6 माह, 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं को डोर टू डोर पोषाहार दिए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है कि अप्रैल और मई 2020 में आपूर्ति निर्देशों के सापेक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा घर घर अनुपूरक पोषाहार के वितरण में संबंधित लाभार्थी का नाम, लाभार्थी के अभिभावक का आधार नंबर तथा पोषाहार प्राप्तकर्ता लाभार्थी अथवा परिजन का हस्ताक्षर प्राप्त कराने संबंधी अभिलेखों रजिस्टरों की प्रतियां अपने कार्यालय में अभिरक्षित करते हुए उसको PDF में तैयार करें, यानी कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में तैयार करें और आपको बता दें अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराएं। परंतु खेत का विषय है कि लगभग 20 दिन व्यतीत हो गए हैं लेकिन ये काम नहीं किया गया है, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कहा गया है। और ये भी कहा गया कि लाभार्थियों की सूचना है, पोषाहार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूचना दी गई और ना ही माह 2 जून 2020 के पोषाहार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की PDF बनाकर अभी तक उपलब्ध कराई गई। तो लापरवाही सामने आ रही है, इसको लेकर ये पत्र जारी हुआ है और जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए शीघ्रता शीघ्र सभी जानकारियां
CDPO जो है उनके कार्यालय तक प्रेषित करें एक्सटर्नल माध्यम से। तो ये बड़ी जानकारी है लखीमपुर खीरी से आ रही है। और आप बताइएगा लखीमपुर खीरी के हालचाल कैसे हैं, आंगनबाड़ियों को मानदेय वहाँ पर आया या फिर नहीं, अभी बड़ी ही समस्या है। बहुत सारे मित्र हमारे फेसबुक पर भी मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक पर बता रहे हैं कि भैया जो व्हाट्सएप है या फेसबुक है दोनों तरीके से मैसेज कर रहे हैं कि अभी तक उनके ज़िले में मानदेय नहीं आया। बड़ा ही सवाल पिछले थे कि मानदेय क्यों नहीं। हम आपसे हर बार कहते रहे हैं कि अगर मानदेय नहीं आया है आपका और सभी आंगनबाड़ी बहनों का या अन्य जिलों का आ गया है, राज्य एक ही होना चाहिए, तो आप कम से कम अपने जिला कार्यक्रम अधिकारी या फिर अपने CDPO स्तर के अधिकारी से संपर्क जरूर करिएगा। आप ऐसे लिखते रहेंगे मानदेय नहीं आया तो आपको दिक्कत होगी। जब तक आप जानकारी ले लेंगे जिला कार्यक्रम अधिकारी से, अपने अधिकारी से, तो निश्चित तौर पर आपको सटीक तरीके से पता चल जाएगी। या फिर बाबू हैं उनसे जानकारी ले लीजिए, बाबू होते हैं जो परियोजनाओं में बैठते हैं तो परियोजना से जानकारी ले सकते हैं, या फिर DPO कार्यालय में जो बाबू बैठते हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं क्योंकि उनके पास लेखा जोखा रहता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका वेतन क्यों नहीं आ रहा है। अगली खबर आपको बताते हैं, वह रिटायरमेंट से जुड़ी हुई है। दरअसल रिटायरमेंट के साथ ही अब नई भर्तियां भी की जाएंगी, दोनों ही चीज़ें आपको हम उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल हमें प्राप्त हो रही खबर, प्रदेश सरकार ने 62 वर्ष की आयु में जो आंगनबाड़ियों का रिटायरमेंट किया है और उसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की नियुक्ति के भी आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें सोनभद्र जनपद से ये खबर देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नई नियुक्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष और कार्यक्रम अधिकारी सचिव होंगे। यहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है अजीत सिंह ने बताया है कि नई नियुक्ति के लिए पत्रावली तैयार की जा रही है और जल्दी इसको लेकर विज्ञापन समेत अनौपचारिकता जो है पूरी कर ली जाएंगी। प्रदेश सरकार ने 62 वर्ष से अधिक उम्र की आयु की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी और सहायिकाओं को रिटायर करने का फैसला लिया है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि इन कर्मियों को रिटायर कर दिया जाएगा तो फिर अन्य जो कर्मी है अगर जगह खाली हो जाएगी तो वहाँ पर कौन काम करेगा, जिसको लेकर यहाँ पर रिटायरमेंट का काम किया जा रहा तो वहीं दूसरी ओर जो है भर्ती का काम किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की जो दिक्कत है अव्यवस्था जो बनेगी वो बन ना पाए। प्रशासन यही चाहता है ताकि केंद्र सुचारू रूप से चलते रहे। बहुत सारे मित्र ये भी कह रहे थे कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाएगा, तो भैया बंद कभी नहीं किया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों को, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए किसी भी राज्य की, बिहार में बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें लिख रही थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जा सकता है, सरकार चाल चल रही। तो आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्र अब तो बंद ही नहीं किया जा सकते क्योंकि प्री प्राइमरी का दर्जा उन्हें मिल चुका है। अब ऐसे में प्री प्राइमरी जो कक्षाएं हैं 3 साल तक उन्हीं के कंधों पर चल रही है, तो ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं होंगे। तो आप लोग निष्फिक्र रहिएगा, ऐसी कोई भी अभी तक सूचना प्राप्त नहीं और ना ही आगामी समय में होगी। तो निश्चित तौर पर आप लोगों के मन से जो संशय की स्थिति है वो निकल चुकी होगी। और आपको बता दें कल हमने एक फेसबुक पर लिंक कमेंट बॉक्स में दी हुई थी, आप लोगों का बड़ा ही प्यार मिला। बहुत सारे मित्र कमेंट की लिंक के माध्यम से फेसबुक पर रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा, आपको मैं यहाँ पर दिखा रहे हैं कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोगों ने भेजी। मतलब एक्सेप्ट करते करते हम लोग भी चकित रह गए कि एकदम से इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोगों द्वारा भेजी गई। लेकिन बहुत अच्छा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजिएगा। आज हम फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, फेसबुक लिंक, अगर जो मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। आपको बता दें आप इस लिंक पर अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में हम फेसबुक की लिंक दे देंगे, फेसबुक आईडी की लिंक दे देंगे, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। आपको बता दें 5000 फेसबुक की जो पेज की सीमा होती है, फेसबुक आईडी की सीमा होती है। दरअसल पेज में तो कितने भी जुड़ जाते हैं, तो फेसबुक आईडी में 5000 भी लोग जुड़ पाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक रिक्वेस्ट नहीं भेजी, जल्दी भेजिए, अगर 5000 लोग हो गए तो उसके बाद एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होगा। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं, पोषाहार वितरण को लेकर, पोषाहार आवाजाही को लेकर तमाम तरीके की भ्रष्टाचार की शिकायतें उजागर होती रहती हैं। अब पोषाहार गड़बड़ झाला को रोकने के लिए एक दरअसल नया काम किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। आपको बता दें पोषाहार वितरण में गड़बड़ झाला रोकने के लिए और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन ने बच्चों, बालिकाओं, किशोरी, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए एक योजना बनाई है। अब इस योजना के बारे में हम भी जानेंगे, आपको भी बताएंगे। बाल विकास पुष्टाहार के गोदामों से लेकर लाभार्थियों तक पहुंचने वाले पोषाहार को अब ट्रेस किया जाएगा। ये वाकई में बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ट्रेस किया जाएगा। आइए जानते हैं कैसे ट्रेस होगा। वितरण में कोई गड़बड़ झाला ना हो और लाभार्थियों तक पुष्टाहार पहुंचे, इसके लिए प्रत्येक पैकेट पर QR कोड जनरेट किया जाएगा। तो ये देखिएगा QR कोड, इसको स्कैन करके पता किया जा सकता है कि ये पुष्टाहार कब का है, पूरा मतलब उसकी जानकारी होती है QR कोड के जरिए। अगर आप स्कैन करेंगे तो पूरी जानकारी निकल आएगी। इसी के साथ ही सरकार भी बढ़ावा दे रही है कि ऑनलाइन तरीके से QR कोड के माध्यम से आप भुगतान करें दुकानदारों को। और आपको बता दें जो लोग जो हमारे मित्र पेटीएम चलाते हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा, ऑनलाइन भुगतान करते हैं अगर दुकान वकान पर जाते हैं तो QR कोड के माध्यम से भी भुगतान हो जाता है। आपको बता दें पुष्टाहार वितरण में समय समय पर धांधली की शिकायतें मिल रही थी। लाभार्थियों को पुष्टाहार आवंटित न करना और आंगनबाड़ी विभाग और अन्य कर्मचारियों
द्वारा सेटिंग गेटिंग के आरोप में कुछ टायर बेच लेने की शिकायतों के आधार पर सरकार जो स्थानीय प्रशासन उसने एक बड़ा अच्छा काम किया है। कुछ टायर के प्रत्येक पैकेट पर अलग QR कोड होगा। आपूर्ति करने वाली कंपनी इस कोड की मैपिंग करके विभाग को ब्यौरा भेजेगी। शासन ने यह नियम टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया है। आपको बता दें यह नियम सिर्फ पार्टिकुलर जिले के लिए नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश भर के लिए है। शासन स्तर से ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। निश्चित तौर पर इससे QR कोड जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं जो डाटा है सब कुछ एकत्रित होगा। अगर कहीं इधर से उधर जाती है पुष्टाहार का पैकेट जाता है तो निश्चित तौर पर डाटा के जरिए बहुत ज़्यादा जानकारियाँ निकल आएंगी। आगे आपको बहुत अहम बात बता रहे हैं। यहाँ के कार्यक्रम अधिकारी हरिओम वाजपेयी ने जानकारी दी है कि पुष्टाहार के प्रत्येक बोरे का एक अलग QR कोड होगा और इसमें बंद पैकेट का इसके कोड से जुड़ा QR कोड होगा। QR कोड से पैकेट किस बोरे का है पता चल जाएगा। दोनों का मिलान करने पर ही पुष्टाहार को आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों से पुष्टाहार किसे आवंटित किया गया उस लाभार्थी का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा और किसी अन्य के हाथ में पुष्टाहार पहुंचने या बाजार में बिकने पर QR कोड से की जा रही जियो टैगिंग से मामला पकड़ में आ जाएगा। अब क्या कहते हैं कितना कारगर होगा कितना नहीं कारगर होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन सरकार अपने स्तर से पुष्टाहार ना बेचा जाए इसको लेकर प्रयास कर रही है और विभिन्न तरीके के चीज़ें ईजाद कर रही है। QR कोड नई टेक्निक है इसको ईजाद कर दिया है। अब आप क्या कहते हैं QR कोड टेक्निक जो है काम करेगी या फिर नहीं तो कमेंट में बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिएगा। और निश्चित तौर पर आंगनबाड़ियों के पुष्टाहार बेचने की खबरें तो हमने आपको बता दी, लेकिन आंगनबाड़ियों के पुष्टाहार बेचने की खबरों पर तो शासन और प्रशासन संज्ञान ले लेता है, लेकिन जो वहाँ पर अधिकारी बैठे हैं बाबू बैठे हैं उनकी खबरों को वो संज्ञान क्यों नहीं लेता है। किस तरीके से निदेशालय में भ्रष्टाचार चल रहा है और तत्कालीन निदेशक को हटाना पड़ा। इसी के साथ ही DPO पर सस्पेंड की कार्रवाई हुई। लगातार बाबू वहाँ से ट्रांसफर होने के बाद भी नहीं जा रहे। इतनी बड़ी मतलब कार्रवाई इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों के पुष्टाहार बेचे जाने की खबरें शासन को भी पता है और शासन भी QR कोड के जरिए बेचने पर रोक लगा रही। खैर ये तो बात ठीक है, पुष्टाहार नहीं बेचा जाना चाहिए, कम से कम जो अच्छी खासी रकम पा रहे हैं अधिकारी कर्मचारी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसा कोई QR कोड जनरेट किया जाना चाहिए ताकि उन कर्मियों की रिश्वतखोरी का भी पता चल सके। क्या कहते हैं, अगर हमारी बात से सहमत हो तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट में। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। इसी के साथ ही जाते जाते आपको एक खबर और बता देते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक बड़ा ही अच्छा फैसला लिया है। आपको बता दें ये खबर हम पहले भी दे चुके हैं लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने और जो वहाँ पर ममता बनर्जी इन्होंने एक खुशखबरी दी है। दरअसल आंगनबाड़ी वर्कर सहित अन्य संविदा और मानदेय कर्मचारियों को भी ये खुशखबरी है और अगर आपने पूरी खबर नहीं देखी है तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, तो आई बटन पर जाइएगा इस खबर को देख सकते हैं। इस खबर के अनुसार 1,00,000 आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ ही आपको बता दें अगर उनकी कोरोना से मौत होती है तो इसी के साथ ही एक नौकरी भी परिवार के सदस्य को दी जाएगी, यानी कि 1,00,000 का मुआवजा और नौकरी सरकार का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कर दिया ऐलान। आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, पूरी खबर आप देख सकते हैं। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को दबाइएगा, ऑल कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल सके। साथ ही प्यार भरा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो करिएगा, साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी बहनों को इस चैनल के माध्यम से जोड़िएगा, यहाँ पर सच्ची और तथ्यात्मक खबरें दिखाते हैं, कोई फेक से नाता नहीं है हमारा। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में, बने रहिएगा हमारे साथ। जाते जाते एक बार फिर आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।